पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के बाद अब कांग्रेस भी तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकालेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 अगस्त को टांटा भील की जन्मस्थली पाताल पानी से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 9 अगस्त को ही कमलनाथ भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इंदौर जिले के देवालपुर के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल को पाताल पानी के कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है। वहीं इंदौर के जाना पाव में होने वाले कार्यक्रम का प्रभारी विधायक संजय शुक्ला को बनाया गया है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस द्वारा मनाए जा रहे तिरंगा सम्मान महोत्सव और पदयात्रा के लिए कांग्रेस ने प्रभारी बनाए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देशित किया गया है। वहीं 9 से 15 अगस्त तक संभागीय शहरों में होने वाले कार्यक्रमों में तारीखवार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी चंद्र प्रभास शेखर ने बताया कि 9 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पाताल पानी, 10 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर, 11 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सागर, 12 अगस्त को चंबल संभाग में सुरेश पचौरी और शहडोल संभाग में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, 13 अगस्त को रीवा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया और उज्जैन में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, 14 अगस्त को जबलपुर में विवेक तनखा और इंदौर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल में और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चंद्र प्रभास शेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम में रोजाना किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जन्म स्थल व बलिदान स्थल पर आयोजित किए जाना चाहिए। वहीं विभिन्न जिला शहर एवं ब्लॉकों में गांव कस्बों में कांग्रेस कमेटियों द्वारा तिरंगा सम्मान महोत्सव एवं पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।